आज 27 जनवरी है, क्या 26 जनवरी को हमने गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड का प्रोग्राम किया था? आवाज आवाज आज ये जो पीसी हम कर रहे हैं, एक स्पेशल मौका है जब पीसी दिल्ली पुलिस भी कर रही है, और शायद मुद्दा एक जैसा ही होगा क्योंकि हमारी 26 जनवरी परेड के साथ जुड़ा उन्ना दी जड़ा मैक है, मैक है। तो हमारे साथ है विभिन्द्र यादव जी, जैक सेवन डेलन, नाम साहब खंडर हरियाणा के पीकेयू के प्रेसिडेंट, टिकैत साहब पीकेयू भारत के प्रेसिडेंट, और राज्यवाल जी बलबीर सिंह राज्यवाल जी हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के 7 मेंबर सदस्य हैं, और बीकेयू राज्यवाल के प्रेसिडेंट हैं, आनंद मौला जी जो ऑल इंडिया किसान सभा के जनरल सेक्रेटरी हैं, डॉक्टर आशीष मित्तल जो ऑल इंडिया किसान मजदूर सभा के जनरल सेक्रेटरी हैं, शिव कुमार कक्का जी जो राष्ट्रीय किसान महासंघ उसके अध्यक्ष हैं, गुरनाथ सिंह चंदूती जी जो बीकेयू हरियाणा के अध्यक्ष हैं, और जगजीत सिंह दल्लेवाल जी जो बीकेयू सिद्धूपुर के प्रेसिडेंट हैं, और हमारा 7 मेंबरी है जो ये किसान संयुक्त किसान मोर्चा है उसके 7 मेंबर कमेटी में है, कक्का जी भी उसमें है, हनंदा है, योगिंदर जी है, और बलबीर राजेवाल जी है, तो 5 मेंबर, छठा उसमें मैं हूँ। और आज ये संयुक्त किसान मोर्चा की बहुत ही मीटिंग जो हुई, काफी डिस्कशन हुई चीजों को लेकर, और उसमें बहुत सारे मुद्दे डिस्कस हुए, खास करके कल 26 जनवरी के प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए। और मैं अभी अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि बलबीर सिंह राज्यवाल जी से वो आज की पीसी को एड्रेस करते हुए कल के जो परेड थी उसके साथ जुड़े हुए जो मुद्दे थे वो आपको बताएंगे। बलबीर सिंह राज्यवाल जी, धन्यवाद भाइयों। कल किसान गणतंत्र परेड का आयोजन किया गया जिसमें 2 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर आए और लाखों लोग उसमें शामिल हुए। ये अपने आप में ऐतिहासिक रहा, दुनिया की नजरें इसके ऊपर रही, फिर भी ये सरकारी साजिश का शिकार हुआ। सरकार ने जिस तरह से एक साजिश के तहत किसान आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की, उसके बावजूद इस ट्रैक्टर परेड में, किसान गणतंत्र परेड में 99.9% किसान पीसफुल रहे। कुछ घटनाएं हुई, सरकार का एक बड़ा ही स्पष्ट प्रोग्राम था वो कल नंगा हो गया, साजिश कल नंगी हो गई। आप सबको मालूम होगा कि हम 26 नवंबर को यहाँ आके बैठे, लेकिन सरकार ने एक साजिश के तहत पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के लोगों को हमें बिना किसी इन्फॉर्मेशन के, जहाँ हमारे लिए ब्लॉकेट किया हुआ था उसके आगे लाके बैठा दिया। उनके लिए कोई ब्लॉकेट नहीं था, और उनके साथ सांठ गांठ करके कल 26 जनवरी को इस किसान गणतंत्र परेड को सबोटेज करने के लिए उन्होंने हमारे पैरेलल, हमने तो सरकार से बातचीत करके 5 रूट तय किए थे जहां हमने ये परेड करनी थी, और उन्होंने इसके पैरेलल दिल्ली के अंदर परेड करने का डिक्लेयर किया, और 5-4 दिन पहले ये भी डिक्लेयर किया कि हम लाल किला जाएंगे, और एक दो उनके साथ लीडर्स ने ये भी कहा था कि हम लाल किले पे झंडा फहराएंगे, लेकिन सरकार की उनसे मिली भुगत थी, इसलिए जब वो गए, हमारे लिए जो रूट तय किए गए थे वहां बाधाएं खड़ी की गई, हर रूट पे पुलिस ने लोगों को जहां से हमने मुड़ना था
हर जगह कहा कि सीधे जाओ, दिल्ली में जाओ। नाम का थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस किया, लेकिन खुद सबको लाल किला पे भेजा, किसी को आईटीओ पे भेजा। लोग वहां गए, उन्होंने वहां जाके जो कुछ किया वो सारे देश के सामने है। अब तो जो सारे देश के सामने जो उनकी मिलीभुगत की तस्वीरें हैं, दीप सिद्धू जो आरएसएस के हैं और वो अमित शाह मोदी के खास एजेंट हैं, उन्होंने वहां जाके ये सारा कार्य किया। और कमाल ये हुई कि 26 जनवरी का दिन हो, देश का एक अहम स्थान हो लाल किला, वहां पे जो पुलिस चौकी थी, जब ये लोग वहां गए तो सारे पुलिस वाले चौकी छोड़ के चले गए और 4 घंटे तक उनको अपना कार्य करने दिया। और उन्होंने हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको उतार के उसके बराबर एक और धार्मिक झंडा फहराया, और उसके बाद वो आराम से वहां से गए। या जो कुछ थे तो पुलिस ने उनको किसी को कुछ नहीं कहा। दीप सिद्धू हमारे नेशनल फ्लैग के नीचे एक तरह से टहलते नजर आए, वो सारा मीडिया में सब कुछ है। इससे सारे देश की भावनाएं आहत हुई हैं, हम भी इस देश के वासी हैं, हमारी भी भावनाएं आहत हुई हैं। लेकिन क्योंकि इस आंदोलन की शुरुआत इसका आधार हमने किसान मोर्चा की तरफ से शुरू किया, इसलिए हम बिना किसी कसूर के देशवासियों को जिन्हें खेत पहुंचा है उससे खेत प्रकट करते हैं। जिन लोगों को इससे कष्ट हुआ है, किसान मोर्चा की तरफ से मैं खेत प्रकट करता हूं। लेकिन ये किसान मोर्चा से का चलाया हुआ आंदोलन लगातार जारी रहेगा। हमने फैसला लिया है कि इसी संबंध में 30 जनवरी को गांधी जयंती पे सारे देश में गांधी जी की हत्या के दिन पे सारे देश में किसान आंदोलन की तरफ से जनसभाएं की जाएंगी और एक दिन का अनशन रखा जाएगा। और इसी तरह पहली तारीख का जो हमने पहली फरवरी का जो प्रोग्राम तय किया था, इसी वजह से फिलहाल हमने उसे पोस्टपोन कर दिया है और उस अगला प्रोग्राम फिर अगली किसी मीटिंग में हम डिक्लेयर करेंगे। तो पार्लियामेंट को जो मार्च का पहली तारीख को था वो हमने फिलहाल पोस्टपोन कर दिया है और अगली किसी मीटिंग में जो प्रोग्राम होगा वो आप सबको बता देंगे। धन्यवाद। यादव जी, साथियों, सरदार जी, आज की मीटिंग के निष्कर्ष और उसके एक्शन प्लान हमारे वरिष्ठ किसान नेता माननीय बलबीर सिंह राजेवाल जी ने आपके सामने रखे हैं। मैं उसके एक दो हिस्सों को रेखांकित करना चाहता हूं ताकि इसके बारे में कोई कंफ्यूजन ना हो। हमने कहा है कि कल की जो गणतंत्र दिवस परेड थी वो कई मायनों में बहुत सफल रही, अभूतपूर्व थी, ऐतिहासिक थी। उसमें कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो हमारी योजना के अनुसार नहीं थी, और जैसा आप जानते हैं कल दोपहर को ही एक प्रेस बयान इशू करके, कल दोपहर 3 बजे ही एक छोटा सा प्रेस बयान इशू करके संयुक्त किसान मोर्चा ने स्पष्ट रूप से कहा था कि हम इन घटनाओं पर अफसोस जाहिर करते हैं, इसकी निंदा करते हैं और इससे संयुक्त किसान मोर्चा को पूरी तरह से अलग करते हैं। और हमने कल दोपहर को ही अपील जारी की थी तमाम लोगों के लिए कि इस आंदोलन में पूरी तरह से शांति बनाई रखी जा सके, क्योंकि शांति हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। उसके अगले 2-3 घंटे में जो घटनाएं हुई उन घटनाओं को देखते हुए कल शाम 6:30 बजे संयुक्त किसान मोर्चा ने एक और अपील जारी करके
ट्रैक्टर मार्च को वही उसी समय बंद कर देने की अपील जारी की थी। सब लोगों से आग्रह किया था कि आप अपने अपनी जगह पे वापस चले जाओ। ये मैं इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि नेट तब तक टूट चुका था, तो सारी सूचनाएं आप तक नहीं पहुंची। आज सुबह संयुक्त किसान मोर्चा ने एक और प्रेस रिलीज जारी करके इन घटनाओं के पीछे जो कुछ था उसका पर्दाफाश किया। इसके पीछे जो दो व्यक्ति और संगठन है, दीप संधु और दीप सिद्धू और पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति, इन दोनों का इस घटनाओं के अंदर जो रोल है उसका पर्दाफाश किया है। पिछले 24 घंटे में इस देश ने दीप सिद्धू के बैकग्राउंड के बारे में इतना कुछ जान लिया है कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है किस किस व्यक्ति के साथ उसकी फोटो है। 7 रेस कोर्स रोड के अंदर जाके प्रधानमंत्री के साथ फोटो है, अमित शाह के साथ फोटो है, सनी देओल से जो रिश्ते हैं वो स्पष्ट हैं, और इसलिए जाहिर है ये सरकार की तरफ से प्लांटेड व्यक्ति है, ऐसा हमारा मानना है। और इसलिए आज मीटिंग ने घोषणा की है कि हम पूरे देश में दीप सिद्धू के सामाजिक बहिष्कार की अपील करते हैं, क्योंकि इस देश के लाल किले में जाके बेअदबी करना और लाल किले में जाके तिरंगे के अलावा किसी भी और झंडे को फहराने की कोशिश करना इस देश के साथ बेअदबी है, और इस देश के किसान इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे। मजदूर किसान संघर्ष समिति पंजाब की जो है उसके बारे में पहले ही बताया जा चुका है, आप सबने देखा है कि हम सब पुलिस बैरिकेड के दूसरी तरफ हैं, लेकिन हमारे बैठने के 13 दिन बाद उन्हें एक स्पेशल एंक्लोजर दिया जाता है जहां पुलिस है उस तरफ, किसान इस तरफ हैं, लेकिन पुलिस की तरफ उनको एक विशेष नेट दिया जाता है, विशेष सुविधा दी जाती है। इस सब के पीछे क्या खेल है, इसका पर्दाफाश होना चाहिए। 25 तारीख को जो शख्स वीडियो जारी करके बोल चुका था कि मैं संयुक्त किसान मोर्चा की बात को नहीं मानूंगा, मैं रिंग रोड पे जाऊंगा, उस सब के बावजूद उनको जाने का क्यों मौका मिला, इस सब की शिनाख्त होनी चाहिए, पूरे सच देश के सामने आने चाहिए। हम जानते हैं कि जो परसों कल जो भी गलत घटनाएं हुई वो संयुक्त किसान मोर्चा ने करवाई नहीं थी, संयुक्त किसान मोर्चा के निर्देश के खिलाफ हुई थी, लेकिन फिर भी जैसा राज्यपाल जी ने कहा, संयुक्त किसान मोर्चा का ये नेतृत्व वर्ग जो आपके सामने बैठा है वो इस देश के लाल किले में जो बेअदबी हुई, जो डेसिक्रेशन हुआ, उसके लिए खेद व्यक्त करता है और हम उसकी नैतिक जिम्मेवारी स्वीकार करते हैं। और उसके बतौर हमने फैसला किया है कि 1 फरवरी को जो संसद पे मार्च का ऐलान हमने 3 दिन पहले किया था उसको हमने रद्द कर दिया, उसको पोस्टपोन कर दिया है। आंदोलन था, है, रहेगा, आंदोलन के और कार्यक्रम अनाउंस किए गए हैं। 30 जनवरी को हम 1 दिन का व्रत रखेंगे। इस देश ने किसान के साथ जो सहानुभूति रखी है वो सहानुभूति दोबारा आएगी और मजबूत होगी, किसान आंदोलन और मजबूत होगा। जो किसान मोर्चे का जो ये ऐलान यहाँ पे हुआ है ये पूर्ण रूप से सबकी सहमति से हुआ है, और न इसमें किसानों को, नौजवानों को, किसी को हताश होने की जरूरत है। बहुत बढ़िया सक्सेसफुल हमारा प्रोग्राम हुआ, और ये पूरे जो लोग हमारे थे, पूरे कमेटी के लोग थे, इन्होंने बादस्तूर अपना पूरा काम करा है। हमारे जितने वॉलंटियर लगे हुए थे सबने अपना काम करा है, और पूर्ण रूप से अपने लोगों को बगैर हानि पहुंचाए वे सब लोग हमारे 5 और 6 बजे तक पूरे दिल्ली से बाहर आए। ये हमारा सक्सेसफुल आंदोलन हुआ है, इसमें कोई वो नहीं है, और हम आगे भी जो भी प्रोग्राम होगा उन सभी जो ट्रैक्टर लेकर आए हैं उनका सबका धन्यवाद भी करते हैं कि बहुत दूर दूर से लोग ट्रैक्टर लेकर यहाँ पे आए, उनकी भावनाओं की पूर्ण रूप से कदर करी गई। और आगे जो भी प्रोग्राम होगा वो हम बताते रहेंगे, और अगर कोई घटना घटी है उसके खिलाफ पूर्ण रूप से पुलिस प्रशासन उसमें दोषी रहा है, उनको लाल किले तक जाने का रास्ता मुहैया करा गया है, ये पूरे देश ने देखा है। लाल किले के तिरंगे पे कोई
वहां पे चला जाए कोई लाल किले के ऊपर और पुलिस की एक भी गोली वहां पर ना चले, तो ये षड्यंत्र है पूर्ण रूप से किसान संगठन को बदनाम करने की एक बड़ी साजिश थी और खास करके पंजाब को देश से अलग करने का एक जो षड्यंत्र था। आगे जो पंजाब के जो किसान हैं वो दूसरे देश से अलग हो जाए वो नहीं होगा पूर्ण रूप से। ये पूरे देश के किसानों का संगठन है, पूरे देश का किसानों का संगठन रहेगा। यह आंदोलन बादस्तूर जारी रहेंगे और जो इन्होंने पर्चे जो दाखिल करे हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है। जब आंदोलन होंगे तो पर्चे भी दाखिल होंगे, उससे कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। ये सभी आंदोलन की तरफ से और आंदोलनकारियों की तरफ से है कि पूर्ण रूप से हमारे सभी लोग उसी तरह से लंगर भंडारे उसी तरह से प्रोग्राम अपने हमेशा करते रहेंगे। अनंदा पत्रकार साथियों, आज के जो बहुत ही महत्वपूर्ण सभा उसके जो फैसला आपका सामने, आपको सामने पेश किया गया है। मैं इस संयुक्त मोर्चे के एक घटक और संगठक के रूप में इस जो घोषणा है इसके साथ हम मिलके फैसला किया है, हम सब सहमति से ये प्रोग्राम को आपके सामने पेश किया है। मैं पहले ही संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से पूरे हिंदुस्तान के करोड़ों किसान 26 तारीख में जो हिस्सा लिया है उसको मैं अभिनंदन करता हूँ। 700 के करीब जिला पूरे हिंदुस्तान में 27 राज्य राजधानी और दिल्ली, पूरे हिंदुस्तान में एक भी प्रशासनिक क्षेत्र नहीं है जहां लाखों किसान उतार के अपना मांग को रखा है। और ये इशू भी आधारित आंदोलन है, इशू तीन इशू है। एक है हमारा तीन कानून वापस लो, दूसरा है एमएसपी को कानून बनाओ और बाकी जो छोटे मोटे जो तो मांगता उसको पूरा करो। मगर आज उसको पूरा करने के रास्ता में जो साजिश हुआ था आज साजिश पांच हो गया, सामने आ गया। एक पहले दिन से बदनाम शुरू होया, ये आंदोलन देश विरोधी होगा, ये खालिस्तानी होगा, ये पाकिस्तानी होगा, ये चाइनीज होगा, ये टुकड़े टुकड़े गैंग होगा, क्या ना बताया गया कि हमारा आंदोलन को छोटा दिखाने के लिए। हमारा देश का किसान देश विरोधी है, 70 करोड़ किसान जो दिन रात मेहनत करके सबको अन्न जुगान देता है वो देशद्रोही है। इस तरह देशद्रोही बोलने का हिम्मत किसका होता है? जो देशद्रोही होता है वो किसान को देशद्रोही कहता है। इसलिए किसान अपना शांतिपूर्ण रूप से आंदोलन किया है, करेगा, हमारा मांग पूरा नहीं हुआ। यार ये आंदोलन 7 महीना से चल रहा है, 7 महीना में एक जो सरकार आंदोलन हल नहीं कर सकता, ये सरकार में रहने का झोंका है, उसको जिम्मेदारी उसका है, उस हल नहीं किया इसके वजह से ये परिस्थिति पैदा हुआ, नहीं तो और पहले ये समाधान हो जाना चाहिए था। और इसलिए ये जो बारिश है ये सरकार एक साजिश किया है और साजिश आज दुनिया के सामने आ गया है। इसलिए हम इस काम के लिए हम पूरे देश जो समर्थन किया है उसको आभार व्यक्त करता हूं। और हम जो दुख है हमारा अंदर भी दुख है इस घटना के लिए, इसलिए गांधी जी को हत्याकारी जो है वो ये काम किया है, जो गांधी जी की हत्या किया था वो आज हिंदुस्तान के जनतंत्र वो हत्या करने का साजिश किया है, जनता के अधिकार पर हत्या करने का काम किया है। इसलिए उसी दिन हम पूरे देश में हम लोग और पूरा देशवासियों को अनशन के लिए व्रत रखने के लिए आवेदन किया है। ये होगा हमारा प्रायश्चित, आने वाला दिन में बैठ के इस आंदोलन रहेगा, लंबा रहेगा, शांतिपूर्ण रहेगा और जीत के उधर आगे बढ़ेगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आप सबको धन्यवाद करता हूँ। मैं आशीष मित्तल हूँ, मैं अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा का महासचिव हूँ और इस संयुक्त किसान मोर्चे के व्यापक गठबंधन का हिस्सा हूँ। जो आंदोलन चला है ये इसकी सबसे बड़ी ताकत नौजवान हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी और सक्रिय भागीदारी के साथ इस आंदोलन को यहाँ तक पहुँचाया है। आप जानते हैं कि पूरे आंदोलन पर किस तरह से पूरे हरियाणा के अंदर दमन किया गया, लेकिन उस दमन का शांतिपूर्वक ढंग से मुकाबला करते हुए कोई हिंसा की घटना उस दौरान नहीं हुई। ये दिल्ली के सारे बॉर्डर्स पर इस समय
सरकार से अपील करने के लिए बैठा है कि तीन कानून वापस कर दिए जाएं। पूरा देश का किसान इस मांग के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि ये कानून रिपील होने चाहिए, बिजली बिल 2020 वापस होना चाहिए, क्योंकि देश की पूरी किसानी की व्यवस्था जो है इससे नष्ट हो जाएगी, कॉरपोरेट और विदेशी कंपनियों के हाथों में चली जाएगी। कल जो आप लोगों ने प्रदर्शन देखा उसके अंदर 2 लाख से ज़्यादा ट्रैक्टर इस प्रदर्शन के लिए अलग से आए, उसमें 5 से 10 लाख युवा इस प्रदर्शन के लिए पूरे देश के दूर दूर के इलाकों से भी यहाँ पर आए, 400-500 किलोमीटर से भी लोग यहाँ पर आए। जितना शांतिपूर्वक ढंग से पूरे दिल्ली के अंदर जहाँ जहाँ पुलिस ने जिस तरह से भटकाया उस जगह पर ढील दी ताकि वो बदनाम करने के लिए आंदोलन को उनको उस दिशा में भेज सकें, और बाकी जगह पुलिस ने भारी दमन किया, पुलिस ने फायरिंग की जिसमें एक साथी हमारा सेंट स्टीफन्स हॉस्पिटल में अभी भी भर्ती है, कोमा में है, उसके जांग में चोट लगी है, और एक साथी को टियर गैस शेलिंग से, जो साथी मारा गया कल, उसको टियर गैस शेल लगने से उसका जो है ट्रैक्टर अनियंत्रित हुआ और वो मारा गया। पुलिस ने बहुत और जगह भी जहाँ जहाँ हम लोग नेतृत्व में भी थे वहाँ पे भी हिंसा करी, लाठीचार्ज किया, गैस शेलिंग की, और जो है जो फेंसिंग थी उठा उठा कर प्रदर्शन पर जो लोग खड़े थे उनके ऊपर फेंके। इस सब के लिए पूरी तरह से जो केंद्र सरकार ने इस आंदोलन को बदनाम करने की साजिश रची वही जिम्मेदार है, और कल पूरा तांडव दिल्ली पुलिस का हमने देखा इस पूरे सारे प्रदर्शन की रैलियों के अंदर। इसके बावजूद 99% प्रदर्शनकारी शांतिपूर्वक ढंग से उन्होंने इस प्रदर्शन को संपन्न किया। हम ये बात इसलिए दोहरा रहे हैं कि सरकार को अब भी समझना चाहिए कि जब तक तीन कानून वापस नहीं होंगे तब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होगा, ये ताकत से ताकत ताकत बनाता हुआ पूरे देश के अंदर आगे बढ़ेगा। दूसरी बात यह है कि पुलिस ने कहा है कि पुलिस के ऊपर हिंसा की गई। मैं आपको बता दूं जिन स्थानों पर पुलिस ने हिंसा की बात की है वो दोनों स्थान लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल के दायरे में आते हैं। LNJP में कल पुलिस ने 16 घायल लोगों को प्रस्तुत किया जिसमें 5 पुलिसकर्मी हैं, 5 को माइनर इंजरीज हैं और 5 को तुरंत डिस्चार्ज कर दिया गया, शेष 11 को माइनर इंजरीज थी, 1 को नाक में चोट है जो वहां पर दाखिल है, बाकी 10 को इमीडिएटली डिस्चार्ज कर दिया गया। ये आंदोलन हम लोगों ने बहुत गहनता से सारे मसलों पर फैसला किया और हम मजबूती से इसको आगे ले जाएंगे, ये आश्वासन हम आपको देना चाहते हैं, देश के सारे किसानों को देना चाहते हैं, जब तक ये कानून वापस ना हो तब तक ये मजबूती पकड़ता जाएगा। धन्यवाद। बंधुओं नमस्कार। देखिए ये बहुत स्पष्ट है कि ये सरकार की योजना का एक हिस्सा है। हम आप किसान समय आने पर इस हिस्सा का पूरा पर्दाफाश करेंगे, अभी हमारा इस पर अध्ययन चल रहा है, पर जो प्रथम दृष्टि में हमारे देखने में आया उससे ये पूरी तरह स्पष्ट हो गया कि उन दो व्यक्तियों को लाके जिस प्रकार से हमारे डेरा के बाहर बसाया गया, उनके डेरों में टेंट में पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों का आना जाना रहा, और जो रूट है उसको बहुत आराम से उन्होंने बैरिकेड हटाए चले गए, उसके बाद उन्होंने आगे जाके लंगर चखा, और लंगर के बाद में पुलिस वाले उनको हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे थे, और लाइन से पुलिस खड़ी उस सारी घटना को अंजाम देते हैं। ये पूरी कहानी में और तथ्य है, कुछ हमारे पास वीडियो क्लिपिंग भी है जिनको जिन साथियों के पास होगी उन सब मांगी भी है कि कहां कहां हर हमको वीडियो क्लिपिंग चाहिए, और हम इसको पूरी तरीके से बताएंगे कि कितना बड़ा षड्यंत्र इस आंदोलन के खिलाफ इस मौजूदा सरकार ने किया, और किसी सीमा तक अगले दिन इंटरनेट बंद कर दिया तो एक तरफा चलता रहा पूरे देश में मीडिया में, और एक तरफा हमको कटघरे में खड़ा किया गया। भारत के अन्य हिस्सों से मेरे पास फोन आए और उन लोगों ने दुख किया, और वो भी समझ गए कि ये आप षड्यंत्र है, क्योंकि प्रारंभ से ही पंजाब इनके टारगेट पर रहा है और उनका पंजाब के प्रति व्यवहार भी सौतेला रहा है। पंजाब हमारे देश का सिरमौर है, मैंने बार बार कहा है, और पंजाब की ताकत और पंजाब का सिस्टम, पंजाब के लोग बहुत विशाल हृदय के लोग हैं पंजाब के,
हमारे देश का दिल है पंजाब, पर पंजाब को बार बार टारगेट करना देश की अखंडता को चुनौती देने जैसा काम किया हुआ। पूरा देश पंजाब के किसानों के साथ पूरी ताकत से खड़ा हुआ है, और जो झंडा लगाने का काम उन्होंने किया है, मैं बता दूं साथियों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1947 में जहां तिरंगा लहराया था लाल किले के ऊपर, वो स्थान बहुत अलग और सुरक्षित है। उस तिरंगे को जो भ्रमित किया गया मीडिया के माध्यम से कि वहां झंडा चढ़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, देश की हमारी वो प्राचीर किले पर ऐसा हो गया, बहुत चला है कल मीडिया पर, मैंने सब देखा, उस स्थान को किसी ने टच नहीं किया है, उस तिरंगे को किसी ने आंच नहीं आने दी है, वो तिरंगा उतना ही सम्मानित है। लाल किले के बगल में एक पोल गड़ा हुआ है सफेद रंग का, उस पोल पर दो ध्वज बांधे गए हैं, इतना हमने देखा है। हम ये मानते हैं कि वो यहां पर तिरंगा लहरा रहा है, वहां कोई और ध्वज नहीं होना चाहिए, ये मानते हैं, ये गलती हुई है। क्यों हम गलती मान रहे हैं? क्योंकि कॉल हमारा था, आंदोलन हम लोगों ने जारी किया था, तो निश्चित तौर से जवाबदारी। कल चूंकि यहां से नेट काम नहीं कर रहा था, तो मेरे साहब कहा कि हम आहत हैं, दुखी हैं, और बहुत ज्यादा हम मानसिक रूप से परेशान भी हैं कि ये घटना घटना ठीक नहीं है। एक चैनल ने हमसे कहा कि आप क्या माफी मांगेंगे, कई चैनल ने कहा, एक ही बात बोलते हैं, माफी मांगेंगे। क्या करें, हमारा आंदोलन है और हमने कॉल किया है, निश्चित तौर से हमको माफी मांगने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि आंदोलन हमारा है। हमारे आंदोलन में कुछ लोग घुस गए जिनको हमको समय के रहते हुए पॉइंट आउट करना था, हमसे कहीं ना कहीं चूक हुई है। साथियों, मैंने अपनी बात रख दी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मीडिया वाले भाइयों का नमस्कार। साथियों, जैसा तुम्हारे से पहले बोलने वालों ने सभी ने कहा है कि संयुक्त मोर्चे की तरफ से हम इस घटना पर खेद जताते हैं, अति निंदनीय है, सभी को बहुत दुख है, देश सभी का है, और तिरंगा जो है वो हम सब की आन बान शान है, हम अपनी जान से भी बढ़कर तिरंगे को मानते हैं। इस बात को जो घटना हुई है वो एक स्टेट ने नहीं की, वो किसी कमेटी ने नहीं की, वो व्यक्ति ने की है, व्यक्ति ने की है, उस व्यक्ति के ऊपर कुछ भी कार्रवाई, ज्यादा से हम तो ये कहते हैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और हमारे से जो हेल्प पड़ती है वो हम भी करने के लिए तैयार हैं। अति निंदनीय है और उस व्यक्ति के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और उसके अफसोस स्वरूप जो पहले बता चुके हैं, एक शांति बनाए रखने के लिए 30 तारीख को सभी अनशन करेंगे, वो भी बता दिया है, एक तारीख का प्रोग्राम भी कैंसिल कर दिया है। लेकिन एक बात मैं आपको और बता देना चाहूं कि जिस दिन हमारी आखिरी मीटिंग थी, शायद 22 तारीख को थी, 22 तारीख को जब बात टूटी, तो कृषि मंत्री जी ने ये कहते हुए मीटिंग समाप्त की कि ठीक है, 26 तारीख की आप भी तैयारी करो और 26 तारीख की हम भी तैयारी करते। अब हमें नहीं मालूम था कि वो किस तरह की तैयारी करेंगे, हम तो शांतिपूर्वक काम कर रहे थे अपना, हमें नहीं पता था कि इस तरह का कोई षड्यंत्र हमारे साथ रचा जाएगा। तो ये जो षड्यंत्र रचा गया है, ये इसमें सरकार का हाथ और वो फोन में सामने वो आ ही रही है, तो हम आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे देशवासियों से ये अपील करना चाहेंगे कि ये व्यक्ति का हो सकता है और सरकार द्वारा प्रायोजित तो हो सकता है, लेकिन जो किसान मोर्चा है, जो किसान आंदोलन है, वो हमेशा देश के लिए काम किया है और देश के लिए काम करता रहे, और ये आंदोलन ना पंजाब का है, ना सिखों का है, ना किसी एक स्टेट का है,
ये आंदोलन केवल किसानों का है, उस किसानों में सभी जातियों के सभी धर्मों के लोग शामिल हैं और हमारा सभी का जो एकता जो है वो बनी रहेगी। और जो ये आंदोलन है ये लगातार इसी तरीके से संयुक्त रूप से अच्छी तरह से चलता रहेगा। सरकार की हर षड्यंत्र जो है वो हम सभी देशवासी मिलके फेल करेंगे। धन्यवाद। पत्रकार दोस्तों, ये सभी भाई थले का लो कैमरा आया है भाई थले का। एक बात आपने कल की छब्बीस के खेल में देखी होगी कि सभी ट्रैक्टर जितने भी जा रहे थे उनके अलग अलग अपने संगठनों के झंडे भी लगे हुए थे और हर एक ट्रैक्टर के ऊपर तिरंगा भी उसके पैर में लगा हुआ है और उसके भी आगे अगर किसी ट्रैक्टर पे कोई धार्मिक झंडा लगा हुआ था तो मेरा ख्याल है कोई एक भी ट्रैक्टर ऐसा नजर नहीं आया कि जिस पर धार्मिक झंडा लगा हो और उसके समानांतर उस पर तिरंगा ना लगा हो, उस पर भी तिरंगा लगा हुआ था। तो इसको ऐसे लेना या सरकार ने जो बनाने का प्रयास किया है कि वहाँ पे धार्मिक झंडा को फहराने का जो ये षड्यंत्र रचा है, ये केवल इस आंदोलन को जो बहुत लंबे समय से ये कह रहे थे कि ये आतंकवादियों का, ये खालिस्तानियों का है, वो उन्होंने प्रयास किया है सिद्ध करने का कि ये देखिए हमने जो कहा था वही हुआ है, वही इन लोगों ने किया है। वो सभी भाइयों ने आपको बताया है कि किस तरीके से सरकार उन लोगों को वहां पे लेकर गई है। मैं बहुत बार आंदोलन करते हैं, देखते हैं जहां पे भी डायवर्शन किया जाता है आंदोलनकारियों को कि उनकी दिशा तब्दील की जाती है तो दूसरी साइड पे पुलिस खड़ती है और उनको साइड को खाली छोड़ देती है कि इस साइड में जाएं। और वहां पे जहां जहां भी हुआ इन्होंने वो जगह जिधर लोगों को जाने के लिए दी थी उधर पुलिस थी और दूसरी जगह खाली छोड़ रखी थी। ये आपने भी देखी होगी। और यहां तक भी हुआ कि एक दो जगहों पर तो ऐसा भी किया कि जो रूट उन लोगों ने हमें दिया था उस रूट पर बैरिकेडिंग भी कर रखी थी। अगर ये पूरी की पूरी कहानी को आप समझें तो ये क्लियर होता है कि ये जो उन लोगों का षड्यंत्र था कि इन लोगों को हर हाल में वहां इनकी हाजिरी लगवानी है ताकि हम अपना काज करने में, हम जो अपना मंसूबा उसे पूरा करने में सफल हों। लेकिन फिर भी पूरा देश राष्ट्रवादी है, ऐसी कोई बात नहीं है। पंजाब वाले भी राष्ट्रवादी हैं, हरियाणा वाले भी राष्ट्रवादी हैं, यूपी बिहार मध्य प्रदेश वाले सभी किसान राष्ट्रवादी हैं। और ये आंदोलन किसानों का है, ये किसी एक धर्म का नहीं है, किसी एक जाति का नहीं है, किसी एक प्रदेश का नहीं है, पूरे देश का और किसानों का आंदोलन है और पूरे देश और किसानों का आंदोलन रहेगा और आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। ये हमारी जो मांगे हैं, जब तक सरकार मानती नहीं तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। धन्यवाद। मैं जोगेंद्र घासीराम नैन, भारतीय किसान यूनियन प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा। हमारा जो 26 जनवरी का प्रोग्राम था वो दुनिया में कल की परेड थी, जो वो अनोखी परेड थी। दुनिया के लगभग 250 चैनलों ने, देश के चैनलों ने इस परेड को सैटेलाइट के द्वारा से दिखाया गया। इसमें जो योगदान दिया गया देश के हर एक हिस्से से, सभी प्रदेश की झांकियां निकाली गई। और इनके अलावा जो देश की मेरी माता बहनों ने इस पिछले 60 दिन के अंदर इस आंदोलन में योगदान दिया, और को खास करके मैं दिल्ली वासियों का, जो ग्रामीण क्षेत्र से थे उन सभी का, या दिल्ली के अंदर के थे
उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करूंगा कि पहले नेताओं अभिनेताओं पर तो फूलों की वर्षा होती रही, लेकिन जो कल कमेरे वर्ग पर दिल खोल करके फूलों की वर्षा की गई, इस कमेरे वर्ग की तरफ से मैं सभी दिल्ली वासियों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। मिठाइयाँ बांटी गई, फूल मालाएं पहनाई गई, उनके द्वारा जो कुछ तनपड़ा लंगर बांटा गया, उन्होंने बहुत सहायता की इसकी। और जो दिल्ली में हम 60 दिन से पिछले 60 दिन से डटे हुए हैं, उन सब का सहयोग हमारे साथ है और हमें आशा रखते हैं कि ये सहयोग ऐसे ही बना रहेगा। खास करके जो कल इस आंदोलन के दौरान जो हमारे किसान साथियों को कुछ चोटें आई हैं और कुछ ट्रैक्टरों पर सरकार के द्वारा कुछ किसान पंजाब के ट्रैक्टर भी हैं, हरियाणा के ट्रैक्टर भी काफी हैं, उनको नागलोई थाने में हमारी तरफ से जो मेरे को नॉलेज है या पीरागढ़ी में शिमलापुरी में कई जगह ऐसे हैं और हरियाणा प्रदेश के हमारे कई साथी अब तक लापता हैं। कुछ जो हमारे 15 के लगभग साथियों का हमें पता चला है, उन पर सरकार के द्वारा बड़े संगीन धाराओं के तहत केस किए गए हैं, जो जबकि वो इसमें किसी भी तरह से इन्वॉल्व नहीं है। रोहतक जिले से 5 साथी हैं, कैथल जिले से हैं, जींद जिले से 5 साथी हमारे हैं, जिनमें से 2000 पलवल से हैं, 2000 FIR दर्ज की गई जिनके ऊपर जी केसी जैसे हैं पलवल से, और हमारे सीनियर साथियों के ऊपर भी आप अभी अभी हमारे को पता चला कल से नेट बंद था, उस वजह से आपस में किसी भी तरह का आदान प्रदान नहीं हो रहा था। और जो ये बात तिरंगा सरकार के द्वारा ये फैलाई जा रही है, किस आंदोलन को फैल करने का प्रयास पहले से भी लगातार किया था जाता रहा कि हरियाणा पंजाब का ये जो SYL का मुद्दा उठाया, भिन्न भिन्न तरह के हमारे पर ये आरोप लगाए गए कि इस आंदोलन को किस तरह से कंडम किया जाए, असफल किया जाए। लेकिन मैं सारे देश के किसानों का धन्यवाद भी करना चाहूंगा, उन्होंने सरकार के किसी भी तरह के इस तरह के किसी जाल में नहीं फंसे, ना कोई उनकी बात को गौर किया। जो कल भी सरकार के द्वारा सुनियोजित ढंग से किसानों के द्वारा जो आंदोलन किया गया, उसमें 99% कोई भी ऐसा काम नहीं किया गया जिससे एक दो साथी हमारा किसान ऐसा हो सकता है कि जो रास्ता भटक गया हो या उनको पहली बार ही दिल्ली में आया, उसको इस दिशा का पता नहीं था कि वो कहीं चला गया हो, ऐसी कोई बात नहीं है। पूर्ण रूप से शांति प्रिय तरीके से ये सारी परेड निकालेगी, दुनिया में पहली ऐसी परेड है जो किसान की निकाली गई। इस तरह से मेरे से पूर्व सीनियर साथियों ने सारी बातें रख दी है। जय जवान जय किसान साथियों। सर पहला सवाल है जी, दिल्ली पुलिस कह रही है कि शर्तां दे नाल परमिशन दिती गई सी, संयुक्त किसान मोर्चा कह रहा है विदाउट शर्तां तो परमिशन दिती गई सी, इस दा की जवाब है कि कंडीशनल दे कंडीशनां दे नाल आग्या दिती गई सी जां विदाउट कंडीशन सी, जदों कि तुहाडा बयान हुण तक अनकंडीशनली लिखिया गया। लास्ट पीसी च तुसीं कहा के अनकंडीशनल है, जदों कि दिल्ली पुलिस दावा करी कि 12:30 तो लैके 5 बजे तक दी परमिशन सी और 5000 ट्रैक्टर दी परमिशन सी। दोस्तों की कहिए, बारे बारे जाइए दिल्ली पुलिस दे, असी सारे नु कहा सी भी 10 बजे ये परेड चलेगी, किते कोई टाइम दी जिक्र तक नहीं सी और किते कोई नंबर दा कोई जिक्र तक नहीं सी, ते पर जेड़े उना दे चहेते सी राती उना दे कैंप दे विच सीनियर पुलिस अधिकारी आए, प्रोग्राम बना के गए, सवेरे 7 बजे उन्होंने बाहर कढ़ लिया, उन्होंने अगे तक कोई बैरीकेड भी नहीं सी, ये कितों साबित करनगे, वो तो संभाल के रखे हुए सी, सातों अगे टेंट ला के, ते ऐसी कोई साढ़े ते पाबंदी नहीं सी, और जिन्ने साढ़े रूट जेड़े सानू दिते गए सी, तुसी आप देखिया होना जिथों असी ट्रांसपोर्ट नगर नू मुड़ना सी इस रूट तो जाके, उत्थे जिधर मुड़ना सी उस पासे पुलिस खड़ी रही, लोगों को कहते रहे इधर जाओ, लाल किले वाल आप पुलिस उकसाउंदी रही जाओ, और हर जगह यह हाल होया, जिमें गाजीपुर बॉर्डर ते भी यही हाल रहा, चौधरी साहब दसणगे उत्थे किवें जेड़े सानू रूट दिता वो बंद रखिया,
ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਪ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਜਾਣ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਤੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੜਯੰਤਰ ਰਚਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪਾਪ ਨੂੰ ਮੋਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਏਡੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ 4 ਘੰਟੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ? 150-200 ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲੀ ਖੇਡ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚੇਤਾ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹੀ ਨੰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ। ਤੋ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕੁਛ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਕੁਛ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੀ ਕੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਖਬਰਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਫੇਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹਰਕਤ ਵਾਂ ਪੇ ਕਰੀ, ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਕਰੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਹਰਕਤ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਆਪ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਪੇ ਜਬ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਏ ਥੀ। ਦੋ ਚੀਜ਼ੇ ਮਿਕਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਵਾਂ ਉੱਪਰ? ਬਈ ਚੱਲਣੀ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਚਾਹੀਏ ਥੀ ਨਾ। ਅਰੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਏ ਥੀ, ਉੱਪਰ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਏ ਥੀ। ਸਹਿਮਤ ਇਸ ਬਾਤ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ? ਐਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਐਸੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਗਾ ਨਾ ਲੋਕ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਰ ਤੇ। ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸੀ ਮੇ ਤਾਕਤ ਹੋ, ਕਿਸੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਮੇ, ਕਿਸੀ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਮੇ, ਜਿਸਨੇ ਸੱਤਾ ਔਰ ਵਿਪਕਸ਼ ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਅੱਗੇ ਲਗਵਾਏ ਹੈ, ਉਨਕਾ ਸਭ ਕਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੀ ਮੇ ਤਾਕਤ ਹੋ ਨਹੀਂ ਤੋ 2 ਲੱਖ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਦਿੱਲੀ ਮੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਵੇ ਕੋਈ ਤੇਲ ਪੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਿਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਉਨਕੋ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਗਲਤ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਚ ਮਸਾ ਘਾਟ ਦੇ, ਵੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਵੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ 4 ਵਜੇ, 4:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਇਦਾਂ ਖੜੀ ਸੀਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, 2 ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਤਾਰ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਲਖ ਮਲ ਦੇਵੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਫੋਟੋ ਲਵੇ। ਜੇ ਸੈਕਰੀਲਿਜ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰੇ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਫੋਟੋ ਜੀ ਲੈਂਦੀ ਰਹੇ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਝੰਡੇ ਹੁਣੇ ਉਤਾਰੋ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਥਾ। ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਗਾਜੀਪੁਰ ਪੇ ਥਾ, ਗਾਜੀਪੁਰ ਪੇ ਰੂਟ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਾ, ਰਾਤ ਕੋ 12 ਵਜੇ ਰੂਟ ਦਿਆ, ਔਰ ਜਬ ਉਸ ਪੇ ਸੁਬਹ ਹੀ ਲੋਕ ਵਹਾਂ ਪਰ 9 ਵਜੇ ਗਏ, 9-10 ਵਜੇ ਵਹਾਂ ਪੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੋ ਪੂਰਾ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਬੰਦ, ਔਰ ਵੋ ਆਜ ਤੱਕ ਵੀ ਵਹੀ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਿਖਿਤ ਮੈਂ ਰੂਟ ਦੇਨੇ ਕੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸੜੀਅਨ ਦਿਖਾਏ ਗਈ। कुछ दिन पहले हमने अमेरिका में वॉशिंगटन में कैपिटल हिल, जो वहां का बिल्कुल सत्ता का केंद्र है, वहां पे कुछ होते हुए देखा और पूरी दुनिया ने कहा यार कमाल है, ये कांग्रेस और सेनेट पे ऐसे घुस सकते हैं लोग। पुलिस वाले सेल्फी ले रहे थे जो अंदर घुस रहे थे उनके साथ। और हमारे साथियों ने कल बताया है उत्तराखंड के साथी जो लाल किले में जा रहे थे उनके साथ पुलिस वालों ने सेल्फी ली, डीसीपी आके उनको अंदर का रास्ता दिखा रहे थे। और जैसा मेरे साथी ने पूछा, इतने वक्त तक आप उस झंडे को रहने देते हैं? मतलब साफ है। और ये याद रखिए, लाल किले में सिर्फ पुलिस नहीं रहती, लाल किले में फौज रहती है। और उस सब के बावजूद ये हुआ, तो ये इसमें कोई बहुत गहरी चीज है जिसकी जांच होनी चाहिए। 3 सवाल है, 1, 2, 3 चार। हेलो,
ओ चचा मुंह ना पूछना पाजी हाथ का पिछे कर लो वैसे मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, तिरंगे की बेअदबी इस देश के अंदर कुछ पार्टियों और कुछ संगठनों की पुरानी परंपरा है। इस देश का एक बहुत बड़ा संगठन है जिसने 15 साल पहले तक तिरंगा कभी फहराया नहीं था, तिरंगा फहराने से ना की थी अपने हेडक्वार्टर पे, और उस संगठन का नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ये लोग जब तिरंगे की बेअदबी की बात करते हैं तो मुझे कुछ इतिहास याद आ जाता है। सरदार जी पीछे हो गए यार। क्या इस चीज पे आप सब लोगों की कंसेंसस है कि ये पूरी कॉन्स्पिरेसी आरएसएस और गवर्नमेंट ड्रिवन है? ये एक पहला सवाल है, क्या इस पे आपकी कंसेंसस है? दूसरी बात ये है कि ये जो किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने जो नाका तोड़कर जहाँ पे टीएसएस शेडिंग हुआ करनाल बाईपास पे जबरदस्ती घुस करके वहाँ दिल्ली में एंटर हुए, हम सब लोग जब 26 नवंबर को यहाँ पे पहुंचे हैं, तीन जगह पुलिस के साथ मुकाबला करके बैरिकेड तोड़ के यहाँ पे पहुंचे हैं, वो तभी संभव हुआ। एक संगठन ने ये अनाउंस किया था कि हम जबरदस्ती में घुसेंगे, आपने 26 जनवरी की सुबह तक उस पर बिल्कुल आपने चुप्पी साध दी, आपने उनको क्रिटिसाइज नहीं किया, आपने बोला कि हमारा अपना उनका अपना मामला है। तो क्या इस पे भी कंसेंसस है कि किसान मजदूर संगठन कमेटी जो है उनका दिल्ली में जाना गलत था, और वो भी आरएसएस की कॉन्स्पिरेसी के? आप सबकी जानकारी के लिए बताऊं, हम चार आदमी, मैं, डल्लेवाल जी, जानकीर सिंह और एक और थे जगमोहन सिंह, 25 तारीख को 2 घंटे उनके जो जनरल सेक्रेटरी हैं, उनके साथ 2 घंटे बैठे रहे, उनकी मिन्नतें करते रहे, भाई ये प्रोग्राम ना करो, इससे गड़बड़ी होगी, आप हमारे साथ आ जाओ। वो नहीं माने, और वही लोग हैं जिन्होंने बार बार, यही आप हर रोज पीछे सुनते रहे हैं, जो कहते रहे हम सीधा जाएंगे, लाल किले पे जाएंगे, अब इसमें कुछ शक नहीं यार। तो वो सारी कंस्पिरेसी थी, अगर वो बात थी तो कल हम 10-12 लोग जो भी वहां गया वो वही भाग गया, पुलिस वाले हमारी सुनते नहीं थे, हम ट्रैक्टर को रूप में ले जाना चाहते थे, वो कह रहे थे सीधे जाओ, तो इसके माने क्या है? तो पुलिस ने जो रूप दिया था, पुलिस ने जो रूप दिया था, आपका तजुर्बा कैसा था? जो पुलिस का रूप था कि आपको गुस्सा है, कोई इतना जोर है? जो देखिए, हमने जब आपने पुलिस पे भरोसा पहले नहीं, भरोसा नहीं, भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं, बात मेरी बात सुन लो, मेरे मुंह में ना डालो, मेरी बात सुन लो, मैं जवाब दे रहा हूँ आपका। देखिए, हमने वो लोग भेजे, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का जरा स्टैंडिंग सी की थोड़े ना सोफा हो दे रहे हैं आप, उसी पुलिस का रूट क्यों मान रहे हैं? और जब साडे साडा एक फैसला होया सी कि असि दिल्ली दे अंदर पहुंचना, पत्रकार दोस्त भाइयो, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। बिल्कुल, जो पुलिस की बात कह रहे हैं हम लोग, ये वीडियो देखें, पुलिस खुद तिरंगा का क्या हाल कर रही है। वीडियो ये देखें, आगे वीडियो ये देखें, ये दिखा रहे ना, प्रॉपर वर्दी है, यूनिफॉर्म पहनी हुई है पुलिस की, लाल किला दिखा रहे ना। ये तिरंगे की बात करने वाले, मैं फिर से वो बात कह रहा हूँ, ये देखिए आपके सामने है देशभक्त ने, यार देशभक्त ने, राजीवाल साहब बीके यू एकता उग्रा ने भी आपकी बात, दर्शन पाल जी, टिकैत जी, आप सभी नेताओं का नाम लेकर सीपी दिल्ली पुलिस ने कहा है
कि आप लोगों ने खुद बैरिकेड तोड़े, भाषण देने के बाद आप लोगों ने बैरिकेड तोड़े। वो बेचारा सरकार की बोली करता बोलता है, उसने नौकरी करनी है राज्यपाल जी, उसने नौकरी करनी है, वो सरकार की बोली बोलता है राज्यपाल जी। लोकवाद और आपके बीच में एक मिनट, सब जानते हो तुसी, जान बुझ के सवाल कर दे। रात नू जदों असीं सौ गए उदो उन्होंने आके शराब पी के खप पाई, असीं कन्फ्रंटेशन नहीं दी। नहीं, साडी मीटिंग चल रही सी, मीटिंग एक बजे खत्म हुई और उन्होंने लोकां ने बुझाता। ए भी गल कहो ना भाई, असीं उत्थे आए नहीं सी, लोकां ने बुझाता। राज्यपाल साहब, नौजवान नौजवान लाल कोई नहीं सिजला गए, असि देखो खाल देती भाईचारे ना समाजिक भाई काट करो। राज्यपाल साहब, नौजवान और आपका यूनियनों का कार्डर भी लाल किले पे गया था, नौजवानों के साथ आपकी यूनियनों का कार्डर भी गया था, साफ झंडे दिख रहे हैं। क्या आपके और नौजवानों के बीच में जो गैप बढ़ रहा है, 25 तारीख को मैंने सवाल उठाया था कि आप अपने फेसबुक पेज जाके चेक करिए, जिसपे आपने रूट मैप डाला है उसके नीचे लोगों यूथ ने और आपके कार्डर ने कमेंट कर रखा था कि रूट हमें नहीं मंजूर। और उस दिन आपके पास क्या सबूत है कि वो हमारा केडरा या कोई और कोई एजेंसी डाल रही है? ये ऐसे देखो देखो, किसानों को एजेंसी का कार्डर कहकर काम थोड़ी चलेगा। एजेंसी का बंदा बता के क्या साबित करना चाहेगा? दो साथियों ने पूछा है एफआईआर, पुलिस ने आंदोलन में अपना कोई भी आंदोलन कोई कॉन्सर्ट नहीं होता जिसके आगे में प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी। पीछे हो जाए आंदोलन संघर्ष होता है और उसके आखिर में यही प्राइस मिलते हैं, एफआईआर, जेल, प्रताड़ना, संघर्ष। वो सिलसिला शुरू हो गया है, सब साथी उसके गवाह हैं कि हमेशा आंदोलनों में ये होता है, इसमें नई बात क्या है? जिन युवाओं ने और किसानों ने तीखा संघर्ष किया उनको आप एजेंसियों के आदमी कह रहे हैं? जिन रोड के ऊपर भी चढ़े थे उन्होंने की कहना चाहते हैं, इस तरह कुछ लोग जिस तरह पुलिस ने मैं कहा भी उधर नु राह खोलिया सी उधर नु तोड़दे सी, वो जिथे पहला कट है उथों मोड़ मोड़ के लेके आए सी, इसलिए गए उधर साडा कोई नहीं। चडूनी साहब, लाल किले तो 2-3 किलोमीटर दूर आप पॉट कीता, चडूनी साहब तुसी उथे की कर रहे थे? ये जो रूट जो दिल्ली के अंदर कल कल जेड़ा दिल्ली दा रूट सी, जेड़ा दिल्ली तोड़ के बैरिकेड तोड़ के जेड़ा किसान, हाँ जी उत्थे तुसी हैगे सन, तुसी लोकां नाल थोड़ा जिहा चानणा पाओगे उत्थे किस तरह दा माहौल सी और तुहाडा उत्थे की रोल सी? मैं कल गुरुद्वारा जो है मजनू का टीला, गुरुद्वारा मजनू का टीला उससे करीब आधा किलोमीटर आगे गया हूँ और वहीं से मैंने गड्डी वापस कर ली है जब मेरे को ये पता लगा कि लाल किले पे गड़बड़ हो गई। तुसी उत्थे क्यों जा रहे थे? इसलिए जा रहा था। कल थोड़ा रूट केड़ा सी? देखिए जिस रूट पे खाली बोल पे निशान सही, जिस रूट पे हम जाना चाह रहे थे उस रूट पे जैसे राज्यपाल जी ने बता दिया है कि सारी जनता उधर को मोड़ दी गई, तो हम इसलिए जा रहे थे कि आगे नेतृत्व कोई नहीं है, कोई गड़बड़ कर दे और उसको कंट्रोल किया जाए, उस गड़बड़ को कंट्रोल किया जाए। हमने वहां से वापस मोड़े भी, हमने कहा जितने भाई यहाँ आ गए सारे वापस मुड़िए, हमने अपनी गड्डी भी वहां से मोड़ी और बाकी लोग भी वहां से मोड़े और जो लोनी वाला रूट था उससे लोगों को घुमाया। चडूनी साहब, तुसी 4:30 बजे अपने ऑफिशियल रूट तो 18 किलोमीटर परे से, ओदा कारण की है? बताया तो है आपको? नहीं, ये तो फिर पुलिस का काम थी ना उत्थे की? नहीं, पुलिस का काम नहीं था। अब ऑब्जेक्शन क्या आया? पर्चे में क्या लिखा कि जो अगवा लोग थे वो आगे नहीं थे, उन्होंने नेतृत्व नहीं किया और जो जिधर जनता जा रही है अगर उधर को रोकने वाला नहीं जाएगा उधर गड़बड़ होगी।
इसलिए हमारा वहां जाना जरूरी था और हमने रोकने की कोशिश की, जहां तक हम पहुंच पाए वहां तक उनको घुमाया। यही दावा सर पन्नू साहब कर रहे हैं, जो किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने, जिन्होंने तुम कह रहे हो देखिए वो क्या दावा, वो क्या दावा कर रहे हैं उनसे मेरे को मतलब नहीं है, वो क्या दावा कर रहे हैं। और उससे पहले सुनिए सुनिए, वो क्या दावा कर रहे हैं ये वो जाने आगे। और बता दूं, हमारा जो पहले से हमने डिक्लेयर किया हुआ था कि हमारा कोई आदमी जो है वो लाल किले में नहीं जाएगा। लाल किले, लाल किले में पूरा किया इस बात में कोई बात नहीं है कि लोगों ने ये नहीं कहा कि वहां ना जाइए, खूब कहा। लेकिन एक बात बताइए मेरे को, एक बात बताइए, वो लोग यहाँ से 7 बजे निकल गए, हम लोग यहाँ से 10 बजे निकले, तो 3 घंटे पहले जब वो लोग यहाँ से निकल गए तो आगे कौन जाएगा और कैसे रुकेंगे हमारे कैसे लोग। जब वो हमारे से पहले निकल गए और जान के निकाल दिए गए, मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमारे से पहले निकाल दी गई, हमारे हाथ से निकाल दी गई जब वो हमारे से पहले। और एक बात और बताऊं, और सुनिए, एक मिनट यादव जी, एक मिनट और सुनिए 10 बजे भी जो बैरिकेड भी था ना, एक मिनट जी, जो बैरिकेड भी था यहाँ पे हमारे आगे लगा हुआ, वो 10 बजे तक भी हटाया नहीं था, वो 10 बजे तक भी नहीं हटाया था, ऐसे ही थोड़ी सी जगह से निकलने की वहाँ पे। निशान साहिब का झंडा एक खाली पोल पे फहराना कब से गड़बड़ हो गया? सही किसान बोलता है, एक खाली पोल के ऊपर निशान साहिब का झंडा फहराना और किसान यूनियन का झंडा फहराना गड़बड़ की श्रेणी में कब से आ गया? बता दिया ना, जिसने शराब के खिलाफ कार्रवाई होगी पुलिस करे। और उन्होंने गद्दारी की है, पर सरबत सिंह बलदेरो ने जवाब कहते राजेवाल साहब सबूत देने की मेरी सरकार के नाल सेटिंग थी कि मेरी बीजेपी के नाल सेटिंग, कोई सबूत है तुहाडे? लाल किले तक जान वास्ते पुलिस ने खुला रास्ता दे दो, बड़ा सबूत कोई हो सकता है? कहते हो जी उनको अपने वर्कर बुला वापस लिया गए, ये तुहाडा वर्शन है? दस पंद्रह दिन और लगेंगे अभी तो आंदोलन बहुत चलना, जब सरकार फिर है जी। क्या आप सरकार के पास जाएंगे बात करने के? नहीं, हम क्यों जाएंगे सरकार को, जो लोग होगी तो बुला लेंगे। पास है ना सरकार करके उसी प्रपोजल पर आप? नहीं नहीं, उस पर नहीं हम जा रहे। दोस्तों कई सवाल है, बस 2 सवाल लेके हम बंद करेंगे, उसके बाद आप पर्सनल बातचीत करेंगे ही करेंगे। एक मिनट सर, उसने एक भी सवाल नहीं पूछा सर, जिस साथी ने एक भी सवाल नहीं पूछा उससे तो पूछ लेने दो। एक हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਗਏ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਾਫੀ ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੂਜਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਰਾਜਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਕਮਰ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਹਰਸ਼ ਚੀਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਟ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਿਆਨ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਦੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਆਪਕਾ। ਹਮਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਸੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਜੋ ਹੁਆ उसमें जो 2 संगठनों और व्यक्तियों का नाम आया है उनसे संयुक्त किसान मोर्चा का कोई लेना देना नहीं है। ये साजिशन हुआ, आंदोलन को तोड़ने के लिए हुआ, लेकिन आंदोलन की कॉल तो हमारी थी। मेरी कॉल में अगर कोई आंदोलन होता है, उसमें कोई गड़बड़ी खुराफात करता है और मैं उसको अगर कंट्रोल नहीं कर पाता, तो एक नैतिक जिम्मेवारी हमारी बनती है और ये सारा का सारा नेतृत्व वर्ग अपनी नैतिक जिम्मेवारी से बचना नहीं चाहता। यादव जी, आपकी कॉल पे दिल्ली पुलिस ने धोखा किया जैसे कि इन्होंने बताया, तो उसके बावजूद, एक मिनट, उसके बावजूद आपने पार्लियामेंट का 1 तारीख का प्रोग्राम पोस्टपोन क्यों कर रहे हैं?
जब पुलिस ने आपके जब स्टेट ने आपके साथ धोखा किया, पार्लियामेंट का पैदल मार्च का एक तारीख का पोस्टपोन क्यों कर रहे हैं, उसका कारण बताइए। अब मैं पहले भी स्पेसिफाई कर चुका था, मैं उसको रिपीट कर देता हूँ, आप कहें तो दूसरी तीसरी बार मैं कर दूंगा। हमने इतना बड़ा एक आयोजन किया, देश से लाखों लोग आए, और उस आयोजन के दौरान एक ऐसी घटना हुई जिससे पूरे देश का मन आहत हुआ। हमने ना करवाया, ना उस बंदे को सपोर्ट किया, हमारी तरफ से कुछ ऐसा नहीं हुआ। लेकिन मैं समझता हूँ एक गंभीर नेतृत्व की जिम्मेवारी होती है कि अगर मैंने दरी बिछाई और उसके ऊपर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं भी उस जिम्मेवारी को कबूल करें, और इसलिए पूरे देश को संदेशा दे